नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे जनहित याचिका के बारे में, और इसकी अवधारणा क्या है, कहाँ से आई, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्या होता है। तो जनहित याचिका की बात करें तो जिसे कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, और इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। जान लीजिए इसे, देखिए सामाजिक क्रिया याचिका या सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है, साथ ही साथ सामाजिक हित याचिका यानी कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और वर्गीय क्रिया याचिका कहा भी कहा जाता है यानी कि क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। और जनहित याचिका यानी कि नाम से क्लियर है कि ये लोगों के हित के लिए लगाया जाता है, और सामान्यतः जो व्यक्ति लगाता है वो अपने हित के लिए नहीं लगाता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए लगाता है जनहित याचिका को। अब हम जनहित याचिका की बात करें तो देखिए जनहित याचिका भारत के संविधान में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, और ये भारत में न्याय के मामले में एक नवाचार है। नवाचार यानी कि एक इनोवेशन है, नया खोज है। हालांकि मूलतः अगर हम जनहित याचिका की बात करें तो ये अमेरिका में प्रचारित हुआ था, उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे भारत की तरफ भी आया, और 1970 से 80 के दशक में जनहित याचिका जोर पकड़ने लगा, और सबसे पहला PIL भारत में 1979 में लगाया गया था, जो कि हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य था। यानी कि भारत का जो सबसे पहला PIL था वो था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, और ये जो मामला था ये जेल में जो बंदी थे यानी कि जेल के जो कैदी थे और जो विचाराधीन कैदी थे उनके साथ अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित मामला था ये। और इसी केस के परिप्रेक्ष्य में जब ये लगाया गया था तो 40,000 से भी ज़्यादा कैदियों को रिहा किया गया था। तो PIL ये पहला हो गया मुद्दा, यानी कि पहला केस PIL का वर्ष 1979 में लगा था, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। अब थोड़ी सी बेसिक चीज़ जान लें कि जनहित याचिका को सामान्यतः या तो उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय में। अगर जनहित याचिका को उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो दो प्रति जमा करना होता है, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है तो वहाँ पे 5 प्रति जमा करना होता है। ये सामान्य बातें हो गई। अब हम बात करें कि PIL होता क्या है। तो PIL की अगर हम बात करें तो जब किसी मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, अधिकार यानी कि जो आदमी का विधिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः जैसे कोई किसी के साथ कुछ भी अगर परेशानी हो गया तो आदमी अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट में जा सकता है, लेकिन जो जनहित याचिका है ये थोड़ी सी इस मामले में भिन्न है। इसमें होता ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कि जनभावना को रखता हो यानी कि दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखता हो, या फिर कोई सामाजिक संगठन जो कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूहों को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। इसके अलावा और ऐसा व्यक्ति दूसरे के लिए तब जाता है जब सामने वाला व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह या तो वो गरीब हो या अज्ञान, या फिर उसको उस चीज़ का ज्ञान ना हो, या फिर अपनी सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय में उपचार के लिए नहीं जा सकता, तो कोई भी व्यक्ति इनके प्रति इन इनके लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी PIL यानी कि जनहित याचिका की एक परिभाषा दी है। वो ये कहता है कि एक विधि जो कि न्यायालय में सार्वजनिक हित या सामान्य हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है या ऐसा कोई हित जुड़ा हुआ है जिसके कारण उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो रहे हों, के मामले में कार्रवाई शुरू करना जनहित याचिका कहलाता है। अब जनहित याचिका की तीन उद्देश्य होते हैं। पहला तो यह है कि कानून के शासन की रक्षा की जानी है, दूसरा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच को सुनिश्चित करना, ये PIL का मुख्य विशेषता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करने का भी एक बेहतरीन तरीका है जनहित याचिका। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि जनहित याचिका की विशेषताएं क्या होती हैं।
तो देखिए, इसकी विशेषता ये है कि जो जनहित याचिका होती हैं ये कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग होती हैं। साथ ही साथ इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना, जो कि मानवता के सबसे कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हों। इसके अलावा दूसरा विशेषता ये है कि ये भिन्न प्रकार का वाद है, यानी कि इसमें क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि जैसे किसी के अगर अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट चला जाता है, लेकिन जनहित याचिका में दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोर्ट जाता है, तो ये विशेषता है। इसके अलावा जनहित याचिका में जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना और रक्षा करना होता है जनहित याचिका में। और अब हम जनहित याचिका के अगर विषय क्षेत्र की बात कर लें तो देखिए, वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था कि पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया। इसके अलावा इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया और इनके अनुसार लगभग 10 कोटियाँ हैं जिनमें आने वाली याचिकाओं को सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिनमें है पहला बंधुआ श्रमिक, दूसरा है उपेक्षित बच्चे, तीसरा है श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों का उल्लंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, और अन्य मुद्दे हैं, चौथा है कि जेलों में दखल उत्पीड़न की शिकायत या फिर समय से पहले मुक्ति और 14 वर्ष पूरे करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन के लिए भी जनहित याचिका लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जेल में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर किसी को स्थानांतरण करवाना हो, व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई, इसके अलावा मूल अधिकारी के रूप में त्वरित मुकदमा चलाए जाने के हिसाब से भी जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। और पांचवा मुद्दा है कि पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किया जाने संबंधी याचिका, साथ ही साथ पुलिस उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर भी पीआईएल लगाया जा सकता है। और जो छठवां मुद्दा है वो ये है कि महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, जिसमें शामिल है विशेषकर वधु उत्पीड़न और दहेज दहन, यानी कि दहेज के लिए महिला को जलाकर मार डालना, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि मामलों में जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न और अनुसूचित जाति तथा जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं भी पीआईएल के दायरे में आती हैं। साथ ही साथ पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं और पारिस्थितिक संतुलन में बाधा, औषधि खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत और संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं भी जनहित याचिकाएं में लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ जो नौवां है वो है दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, उनके लिए भी पीआईएल लगाया जाता है, और जो दसवां है वो है पारिवारिक पेंशन, जिसके लिए पीआईएल लगाया जाता है। अब कुछ ऐसे मामले भी हैं कि जिनको पीआईएल के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। इनमें पहला है कि मकान मालिक और किराएदारों के जो मामले होते हैं वो जनहित याचिका में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दूसरा, सेवा संबंधी और ऐसे मामले जो कि पेंशन और ग्रेचुटी से संबंधित हों उनको भी जनहित याचिका में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा केंद्र या फिर राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें जो कि वो भी पीआईएल में शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनका हमने आपको लिस्ट दे दिया है। इसके अलावा मेडिकल और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन को लेकर भी जनहित याचिका दायर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं को जनहित याचिका के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। अब इससे कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं जनहित याचिका के, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए निरूपित किए हैं। पहला ये है कि अनुच्छेद, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी भी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो कि समाज के कमजोर वर्गों से हैं, और इस स्थिति में वो नहीं होते हैं कि खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटा सके, तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पीआईएल को स्वीकार कर सकता है। साथ ही साथ जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे या फिर बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू कराने के वजह से राज्य के संवैधानिक कर्तव्य और प्रकार के मामले उठते हैं,
तो ऐसी दशा में जो न्यायालय होता है या तो एक साधारण से पत्र या फिर तार के द्वारा भी जनहित याचिका को स्वीकार कर लेता है। और ऐसे मामलों में जो होते हैं ये न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों और सुनवाई से संबंधित बहुत सारी कानून में छूट भी प्रदान करता है। साथ ही साथ जब न्यायालय पहली दृष्टि में साधनहीन लोगों के सार्वजनिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जब अस्वस्थ हो जाती है तो वह राज्य या सरकार के उससे संबंधित याचिका के सही ठहरने संबंधी किसी भी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता, यानी कि राज्य के दखल को फिर रोक दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो ये था जनहित याचिका के कुछ सिद्धांत। और जनहित याचिका दाखिल करने संबंधी भी कुछ निर्देश भी होते हैं, यानी न्यायालय ये चाहती है कि ऐसे बहुत सारे जो बहुत लोग लगा देते हैं जनहित याचिका फालतू का, तो उसको भी रोकने का कार्य करता है। और मेनली जो 10 हैं ये जो विषय क्षेत्र, उनसे ही संबंधित जो जनहित याचिका दायर की जाती है उस पर ही संज्ञान लेती है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और उस पर ही कार्य करती है, बाकी अन्य को वो हटा देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो PIL की अवधारणा है भारत में, असल में ये न्यायिक सक्रियता का बेहतरीन उदाहरण है। और न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक भारत के संदर्भ में रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो पहला मामला PIL के तहत दर्ज किया गया था वो था वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार। जय जय।